मैं आटे का एक बेहतरीन नाश्ता आपके लिए लेकर आई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने एक कप आटा, आधा कप से भी थोड़ी सी कम सूजी है, आधा नींबू है जिसका मैंने ये आधे नींबू का रस निकाल लिया है तो हम ये यूज करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार है, 2 पिंच हल्दी यूज करेंगे, 1 चम्मच चीनी है, 2 पिंच हम हींग यूज करेंगे, 2 चम्मच हमने दही लिया है, कुछ करी लीव्स, 1 हरी मिर्च और राई, ये तड़के के लिए है। हरे धनिया की पत्तियां हैं 2 टेबलस्पून, 1 प्याज को बारीक काट लिया है, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है और ये आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने लौकी कसा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाउल में हम डाल लेंगे आटा सबसे पहले, उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूजी, आप इसको आटे की इडली कह सकते हैं, 1 चम्मच इसमें नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं, 2 पिंच हल्दी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हींग जिसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसको करते हैं एक बार मिक्स। इनो मैं आपको नहीं दिखाया है, मैं नहीं दिखा पाई हूं, इनो भी इसमें हमें डालना है क्योंकि ये आटे की इडली टाइप हम बना रहे हैं। इसमें हम डालेंगे अब ये दही 2 चम्मच और ये सारा कटा हुआ जो वेजिटेबल्स हैं इनको डाल देंगे अच्छे से, लेमन जूस डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और ये इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आने वाला है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, ये है 1 चम्मच इनो। इनो डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, पानी आपको देखकर डालना है और इसका हम बैटर नहीं सॉफ्ट डो टाइप लगाएंगे तो ऐसा हमें इसको बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद ना हमको बस इसको ऐसे मथना नहीं है, बस ऐसे सॉफ्ट इकट्ठा करना है। ये इकट्ठा हो गया है, अब हम इसकी इडली की तरह, सॉफ्ट डो है ये, इडली की तरह इसकी हल्के हाथ से ऐसे पेड़ी टाइप बना लेंगे। और हमने पहले से सांचे को जो है ग्रीस करके रखा हुआ है, इडली के सांचे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इसमें हम ऐसे लगाते जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से हम सारा रखते जाएंगे, देखिए इस टाइप से हम ये बना लेंगे और सांचे में रख देंगे। तो सारी इसी तरह की इडली हम बना लेते हैं। टोटल ये 10 पीस हमारे बन गए हैं और हमने इसको इडली की तरह लगा लिया है। हमने पानी को गर्म होना रख दिया था, अब हम इसके अंदर रख रहे हैं ये अपने स्टैंड, इसको कवर कर देंगे। पहले 5 मिनट जो है हम ढककर पकाएंगे तेज फ्लेम पर और बाकी के हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 18 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक से हम इसको देखेंगे, बिल्कुल क्लीन ये निकली है, इसका मतलब ये जो है हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप देखिए यहां पर अच्छे से फूल गई हैं, ये आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी फूल गई हैं। तो अब हम गैस को ऑफ करते हैं और इनको बाहर ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये देखिए पूरी तरह ठंडे भी नहीं हुई हैं कि हाथ से ही आसानी से निकल जा रही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये बिल्कुल बनेंगी नहीं, बढ़िया बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत यम्मी लगने वाली हैं। तो ये हाथ से ही हम निकाल पा रहे हैं, इसका तड़का बनाते हैं अब हम। ये देखिए कुछ इस तरह की इडलियां निकल कर तैयार हैं, अभी भी आप भाप देख रहे हैं बिल्कुल गर्म है, तो इनका मैंने ठंडे होने का भी इंतजार नहीं किया है। 1 टेबलस्पून हमने तेल जो है वो पैन में लिया है, कोई भी तेल जो आप खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं, ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने 1 मिर्च को बीच में से ऐसे स्लिट करके काट लिया है, आप जितनी चाहें यूज कर सकते हैं। ऊपर से डाल रहे हैं हम राई, राई जीरा जिसका भी आप तड़का लगाना चाहें, और करी पत्ता 10 से 12 करी पत्ता लीव धोकर अच्छे से ले लिया है,
और जब ये राई तड़कना बंद हो जाए तब हम रखेंगे अपनी इसमें ये नाश्ता, इडली, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। बहुत अच्छा ये लगता है, जरूर बनाइएगा, खाइएगा। गैस को धीमा कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। हम इनको उलट पलट के ऐसे थोड़ा सेक लेंगे। एक मिनट हो गया है सिकते हुए, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, यमी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और जो चीज खाने में सुंदर होती है वो खाने का मन भी करता है। अब हम इसमें एक टेबलस्पून, मेरे पास ये फ्रेश कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट, मैं इसको स्प्रिंकल कर लूंगी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो नहीं। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज किया है। और मैं यहां आपको एक तोड़ कर दिखाती हूं, बहुत गर्म है ये, देखिए जाली, ये देखिए कितनी अच्छी जाली इसमें पड़ी है। तो ये आटे का बना हुआ नाश्ता लौकी है, हेल्दी है, आप जरूर खाइए और बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।